उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी वार्ड में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नमो केंद्र का उद्घाटन करते बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं। आदेश गुप्ता का कहना था कि इस इलाके में नमो केंद्र खुल जाने से क्षेत्रीय जनता को काफ़ी लाभ होगा। क्षेत्रीय जनता आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड और अन्य चीज़ें इस केंद्र पर आसानी से बनवा सकते हैं। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो गरीब समर्पित सरकार है। जिस प्रकार से आप जानते हैं अनेक योजनाएं जो है गरीबों के लिए चली हुई है, सुंदर नगरी में भी झुग्गी बस्ती है, इसलिए यहाँ पर नमो सेवा केंद्र का जो उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी ने किया, रामवीर जी ने किया, हमारे नीरज तिवारी जी ने किया, ये दिल्ली प्रदेश में संयोजक हैं इसके और नमो सेवा के, और इसी प्रकार से यहाँ के लोगों को जो जागरूकता मिलेगी, यहाँ के लोगों को जानकारी मिलेगी कि हमारी योजनाएं जो चली हुई हैं उनका लाभ नरेंद्र मोदी जी जो दे रहे हैं इनसे प्राप्त होगा। हमारा जैसे हमारी जो योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, हमारा ई श्रम कार्ड है, हमारा जो आधार कार्ड है, आपका जो एक बहुत अच्छा हमारा ये है कि आर्थिक लोन जो मिलता है गरीबों को 10-10 हज़ार रुपये का, उसकी जानकारी होगी। अनेक योजनाएं हमारी जो है नी नमो ऐप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करेगी। देखिए, नमो सेवा केंद्र हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का परिकल्पना है। जो दिल्ली सरकार इस समाज के अंतिम व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी या नथराइज कॉलोनी में रहते हैं उन लोगों तक पहुँचाने में उन सुविधा बिल्कुल विफल रही है, तो दिल्ली सरकार की ये विफलता का परिणाम है नमो सेवा केंद्र, जहाँ से गरीबों को केंद्र की जो योजनाएँ उसका लाभ दिया जाएगा और जो उनकी बेसिक आवश्यकता है जैसे पानी, बिजली, सीवर, जिसमें बिल्कुल दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल फेल है, उसके लिए यहाँ से जन जागरण चला के हम लोग आंदोलन चलाएंगे कि इसको हमारे झुग्गी झोपड़ी या नोथराइज कॉलोनी में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जगह रह रहा है, जिस सारी सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल के जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों को लागू कराने के लिए यहाँ जन जागरण भी हम लोग चलाएंगे और केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं जो गरीबों को समर्पित है उस योजना का लाभ हम लोग पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र की योजना है उस पर अपना चपसा लगा के अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमारी योजना है, उसका भी हम लोग जागरण कराएंगे कि ये माननीय मोदी जी की योजना है और जो केजरीवाल सरकार ये झूठ बोल बोल के ये कुछ देते नहीं है, केंद्र की योजना को बोलते हैं हमने दिया और अपनी जो उन्होंने वादा किया है मैनिफेस्टो में उसमें से एक भी, चाहे फ्री पानी के नाम पर जहर पिला रहा है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं, फ्री बिजली के नाम पर लाखों हजारों बिल आ रहा है, सीवर सारा बंद पड़ा हुआ है, उसी तरह से शिक्षा के नाम पर आप देख लीजिए किसी भी झुग्गी में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है और ये बड़े बड़े तमका लेके विदेशों में घूमते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उस चीज़ के निवारण के लिए नमो सेवा केंद्र का परिकल्पना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, जो झुग्गी यात्रा के दरमियान उनको दिखा कि हमारे लोग दिल्ली के कितने परेशान हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।
हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211438312, 9911418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।